आज बनाने जा रही हूँ जर्दा, चावल का जर्दा। तो ये मैंने गोल्डन राइस ले लिया है, जिसे हम सेला चावल भी कहते हैं, पक्का चावल भी कहते हैं, और जर्दा इसी चावल का अच्छा बनता है। अगर हम कच्चे चावल से बनाते हैं तो वो जल्दी पक जाता है और टूट भी जाता है, तो सेला चावल हम इसलिए लेते हैं कि ये जल्दी टूटता नहीं है, हमें जिस हिसाब से पकाना होता है उस हिसाब से हम पकाते हैं। तो ये हमने 250 ग्राम सेला चावल ले लिया है, और अब मैं ये ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ये है कोकोनट 2 बड़े चम्मच, 2 बड़े चम्मच बादाम, 2 बड़े चम्मच काजू, उसको हमने कट कर, और ये 1 चम्मच मगज ले लिया हमने, और ये 4 हरी इलायची, 4 लौंग, और ये 1/2 टीस्पून ऑरेंज कलर, ऑरेंज फूड कलर। ये 250 ग्राम मावा है, ये 1 कटोरी दूध ले लिया है, और ये 1 कटोरी चीनी, अपने हिसाब से आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और ये हमने टूटी फ्रूटी ले लिए हैं मिक्स वाली, और चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। फूड कलर डाल देंगे, इसे हम अच्छे से मिलाकर फिर हम अपने चावल बॉयल आने तक देखते रहेंगे, और तब तक पकाएंगे जब तक ये गल ना जाए, उतना भी ना गले, आधा से ज़्यादा गल जाना चाहिए, उसके बाद फिर हम इसमें बाकी के प्रोसेस ऐड करेंगे। एक बॉयल आ चुका है, और चावल चेक कर लेते हैं कि ये गल गया है या नहीं। ये अभी 70% हुआ है, हमें 80% तक और पकाना है, उसके बाद हम पैन ले लिया है, इसमें घी ऐड करेंगे, उसके बाद अपने ड्राई फ्रूट थोड़ी देर के लिए रोस्ट करेंगे, फिर निकाल के उसके बाद बताएंगे। पैन हमारा गर्म हो गया, हम उसमें पहले 1 चम्मच घी ऐड करेंगे, ये हमारा होममेड घी है। उसके बाद इसमें हम सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड, हमें सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर लेंगे। इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उसमें आता नहीं, हमारा चावल ज़्यादा था, इसलिए हमने फिर से पतीली लिया है, और अब हम इसमें 2 चम्मच और घी ऐड कर चुके हैं, और अब हम इसमें लौंग और इलायची डालेंगे। थोड़ा कलर चेंज होने तक इसे ऐसे रखना है, उसके बाद फिर हम चावल आधा पहले डालेंगे, फिर उसके बाद अपने ड्राई फ्रूट चीज सारे ड्राई फ्रूट डालेंगे, उसके बाद फिर चावल नीचे उतरे हैं,
चीनी सारा इसमें अच्छे से घुल जाए। और अभी एक मिनट तक इसमें ढक कर पकाना है, जब थोड़ी और देर तक इसे पकाना है, उसके बाद हम चेक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरह से बनकर तैयार होगा हमारा जर्दा। ये देखिए बहुत यम बनता है। ये देखिए फ्रेंड, मैंने टेस्ट भी कर लिया, बहुत अच्छा बना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये ट्राई करके बताइए कि कैसा बना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।